आप देख रहे हैं तत्काल संदेश संगीता के साथ। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा जिले में बड़े धूमधाम से मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा एवं शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। रीवा जिले के उद्यानिकी विभाग में वर्षों पुरानी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा में सर्वप्रथम 4 बजे पूजा बंधन कर मालाचरण एवं बुद्ध चरित चंद्रोदय का संगीतमय पारायण, तत्पश्चात भिक्षु संघ द्वारा धम्म वेशना एवं आमंत्रण अतिथि विद्वानों का उद्बोधन हुआ। शाम 6 बजे के बाद सभा रैली के रूप में परिवर्तित होकर सभा स्थल से साईं मंदिर स्वागत भवन शिल्पी प्लाजा चौक के बगल से होते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल तक धम्म यात्रा निकाली गई। इस देश में भगवान बुद्ध करुणा का संदेश लेकर पैदा हुए और मानव समाज को करुणा का उन्होंने संदेश दिया, और भारत में ही नहीं आज के दिन पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। यहाँ तक कि धार्मिक आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ किसी धर्म की जयंती नहीं मनाता, वो सिर्फ भगवान बुद्ध की जयंती मनाता है। और आज का हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम जो यहाँ पे किया है, हर साल करते हैं, तो यहाँ पे उद्यानिकी में एक बहुत पुरानी भगवान बुद्ध की मूर्ति है, यहाँ पे स्थापित है, उसको उसकी पहचान देने के लिए, बताने के लिए लोगों को कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है और इसका संरक्षण होना चाहिए। पुरातत्व विभाग जो है इसको संरक्षित करे, और जबकि ये मूर्ति आप देखेंगे ऐसे ही पड़ी हुई है, धूप में बरसात में उसका कोई संरक्षण नहीं है, जैसे उसका कोई महत्व ही न हो, कुछ न हो। आज जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भगवान बुद्ध पैदा हुए थे लुम्बिनी में, वो लुम्बिनी गए हैं, फिर जो है उत्तर प्रदेश में कुशीनगर गए हैं, फिर लखनऊ में 3-3 प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। बुद्ध को यानी कि प्रधानमंत्री जी इतना यानी कि मानते हैं और बताते हैं बुद्ध के कितने प्रेमी हैं, और उन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, रीवा में यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति की मूर्ति का ये हाल है। तो मैं तो ये अपेक्षा करूँगा, सरकार से अपेक्षा करूँगा कि पुरातत्व विभाग को वो निर्देशित करे कि इस मूर्ति को संरक्षित किया जाए। करोड़ों लोगों को शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध के मतलब के उपदेशों का आज पालन हो रहा है वर्तमान समय में कि नहीं? शांति का उपदेश देने वाले पता नहीं गौतम बुद्ध जी का कहाँ पालन हो रहा है, ये तो हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ मारकाट मची हुई है, हत्या बलात्कार हो रहे हैं, तो ये शांति का तो नहीं है। हम लोगों का यही तो उद्देश्य लेके हम लोग निकले हुए हैं कि हम भगवान बुद्ध की जो बातें हैं उनको लोगों तक जन जन तक पहुँचाएँ और उसे फॉलो कराने की